लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों पर कम मतदान पर सियासत गर्मा गई। आपको बताएं कि आरक्षित सीटों पर 2019 की तुलना में 4% से ज्यादा कम मतदान हुआ है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए किए जा रहे वादे एक भी पूरे नहीं हुए हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में आदिवासी और दलितों के विकास के लिए बीजेपी ने तमाम योजनाएं शुरू की। देखिए, मध्य प्रदेश की आरक्षित सीटें हों या गैर आरक्षित सीटें हों, सभी जगह चुनाव एकतरफा था। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे वो तक मतदान करने नहीं निकले। हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुए। सभी सीटों पर 70% से ज्यादा मत और सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और ये जो मतों का प्रतिशत गिरा है, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी की वजह से गिरा है। देखिए, भाजपा सरकार में जिस तरीके से हमारे दलित आदिवासी भाइयों के साथ में अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं भाजपा के नेता आदिवासी भाइयों के ऊपर, तो निश्चित ही पैसा एक्ट को छीनने का जिस तरीके से काम भाजपा सरकार ने किया, इन सभी बातों को लेके आज उन सीटों पर मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है, ये भाजपा की विफलता को जाहिर करता है। इधर एमपी में लोकसभा का चुनाव तो निपट गया, अब राजनीतिक पार्टियां हार और जीत के गुणा भाग में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी में सबसे ज्यादा टेंशन इस बात को लेकर है कि मोहन सरकार के मंत्रियों का भविष्य क्या होने वाला है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर हिदायत देकर गए थे कि जिस मंत्री या विधायक ने अपने क्षेत्र में ज्यादा वोट नहीं डलवाए उनकी कुर्सी खतरे में होगी। और ऐसे 9 मंत्री हैं जिनकी लोकसभा में विधानसभा चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत कम पड़ा। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि वोटों की जब गिनती होगी तब क्या नतीजे आते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मंत्री जी की टेंशन बढ़नी तय है। फिलहाल इस पर वार पलटवार हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। सामूहिकता का प्रतीक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास में यकीन रखने वाली कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता को उतना ही प्यार और सम्मान मिलता है, चाहे बूथ का हो, निगम का हो या वरिष्ठ मंत्री। विधानसभा चुनाव में जिस तरह हम सबने देखा कि तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को यहाँ मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है, एक गरीब परिवार से आए हुए कार्यकर्ता को यहाँ प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है। यहाँ सब अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं निष्ठा से, पूर्ण सेवा भाव से, क्योंकि यहां सबका एक ही मकसद है, वो है राष्ट्रहित और जनता का विकास। बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। हर मंत्री के क्षेत्र में जो है बाट लगी हुई है। 370 का जो है मैराथन बैठ के वो महाअभियान 6 महीने से चला रही थी बीजेपी। क्या हुआ, धूल में मिट गया? जिन बूथ पर 370 बढ़ाने की बात कर रहे थे, 35% बूथों पर 370 वोट नहीं डले। मध्य प्रदेश में हुए नरसिंह घोटाले में सीबीआई की टीम ने एक और बड़ा खुलासा किया। बताया गया कि सीबीआई के ही 3 अफसर बिचौलियों के साथ मिलकर नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे। इसके बदले में उन्होंने मोटी रकम रिश्वत के तौर पर ली। सोमवार को सीबीआई ने 2 बड़े अधिकारियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एमपी की ज्यादातर नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजों में चल रहे थे, उनकी जगह स्कूल संचालित किए जा रहे थे। कागजों में एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस दिखाई गई, लेकिन इसकी जांच जब हुई तो मौके पर स्कूल चलता पाया गया। एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज को पैसे लेकर सीबीआई की जांच में सूटेबल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इस घोटाले में बीजेपी के पार्षद सूर्यकांत गुप्ता का नाम सामने आया, जो स्कूल और नर्सिंग कॉलेज संचालित करता है। और वहीं भोपाल से खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एक और बड़ा दावा करते रहे। 23 मई को नरसिंह घोटाले में एक बड़ा खुलासा करने की बात उन्होंने कही है। बीजेपी के बड़े नेता नरसिंह घोटाले में शामिल हैं, ये सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं। और रिश्वत लेकर कॉलेजों को एनओसी दिए जाने का काम किया जा रहा था, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश, और इसी वजह से सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं इस नर्सिंग के घोटाले में शामिल हैं और रिश्वत लेकर कॉलेजों को एनओसी देने का काम किया जा रहा था। मित्र मुकेश नायक जी 23 तारीख को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तथ्यों के साथ विद प्रूफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नर्सिंग घोटाले का
बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पीएससी घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ये हालत है कि सीबीआई के अधिकारी जिनको जांच की ड्यूटी दी है, रिश्वत लेके जो कॉलेज का अस्तित्व नहीं उसकी एनओसी दे रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर पुलिस अब खाक छान रही है, उनके घर पर दबिश दे रही है, लेकिन बम तो घर से फरार है। 17 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर धारा 307 का इजाफा एक मामले में हुआ था। इसके बाद अक्षय कांति बम 10 मई को जिला अदालत में पेश उनको होना था, लेकिन वो अदालत पहुंचे ही नहीं। कोर्ट ने बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस मामले में पुलिस कह रही है कि बम के घर समेत कई जगहों पर तलाश की जा रही है और जल्द ही अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि अक्षय कांति बम जब इस्तीफा देकर और पार्टी से अलग होकर अपना नाम वापस लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से उनके घर पर पुलिस तैनात थी और पुलिस की तैनाती थी, तो ये कांग्रेस ने सवाल भी उठाया था कि पुलिस की तैनाती उनके घर पर है और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से उनको ढूंढ नहीं पा रही है। इसके बाद उनके घर के बाहर से पुलिस की तैनाती भी हटा दी गई थी और अब अक्षय कांति बम जो है उनका पता है पुलिस लगा नहीं पा रही है, लेकिन जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी, अक्षय कांतिलाल बम जिसके विरुद्ध में अप्रैल के दिनांक में न्यायालय के द्वारा 307 का धारा इजाफा किया गया था, जिसके पश्चात में 10 मई की पेशी उनकी लगाई गई थी, जिसमें 10 मई को उनके वकील के द्वारा एक हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो कि न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। उसके पश्चात में उनके विरुद्ध में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया जो कि खजराना थाने को प्राप्त हुआ है। उनकी अगली पेशी 8 जुलाई 2024 की लगाई गई है, जिस तारीख को न्यायालय के आदेश अनुसार हमें उन्हें गिरफ्तार करके 8 जुलाई तक पेश करना है। इधर बिलासपुर में धान संग्रहण केंद्र में आग लगने की घटना सामने आई है और धान के भूसे में ही आग लगी है और जो हवा चल रही है इसकी वजह से आग लगातार फैलती जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर ही दी गई थी कि छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में तेज हवा, आंधी और बारिश की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन यहाँ बारिश होती तो शायद आग बुझ भी जाती, लेकिन अभी हवा चल रही है और इसकी वजह से आग तेजी से फैल रही। फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और आग को फिर बाद में काबू में किया गया। असामाजिक तत्वों पर इस बात का शक जा रहा है कि उन्होंने यहां पर आग लगाई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।